हेलो फ्रेंड्स, अक्सर माएँ जब अपने बच्चों को जल्दबाजी में सुबह सुबह स्कूल ड्रॉप करने जाती हैं और उन्हें अपने बच्चों को नाश्ता खिलाना होता है तो वो अक्सर कभी कभी दूध को स्किप करके उन्हें चाय या फिर कुछ और चीज़ दे देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं या फिर क्या आपको पता है कि बच्चों को चाय देना कितना सही है और कितना गलत है? आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो के द्वारा कि बच्चों को चाय देना सही है या नहीं। दोस्तों, एक शोध से बात सामने आई है कि चाय का सेवन बड़े लोग कम मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन नवजात और छोटे बच्चों को चाय का सेवन करवाने से उनके शरीर के अंदर कैल्शियम अवशोषित होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर कैल्शियम से संबंधित बीमारियां या फिर कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसीलिए यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको उन्हें चाय का सेवन नहीं कराना चाहिए। ऐसा करने से उनकी हड्डियाँ और दांत दोनों कमजोर हो सकते हैं। छोटे बच्चों को चाय का सेवन कराने से उनकी हड्डियों में कमजोरी आती है। उनके शरीर के निचले हिस्से में सबसे ज्यादा कमजोरी आती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं और कई बार उनका मूड भी खराब रहता है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों के अंदर चाय का सेवन कराने से मूड खराब कैसे होता है? आपको ये बात भली भांति पता होगी कि चाय के अंदर भी कैफीन होता है, जो छोटे बच्चों के लिए काफी हद तक हानिकारक होता है। हर किसी के घर में चाय अलग तरीके से बनती है। कोई इंसान अपने घर में चाय बिल्कुल नॉर्मल बनाता है तो कोई इंसान काफी ज्यादा कड़क करके बनाता है। कड़क यानी कि बहुत ज्यादा चाय पत्ती का इस्तेमाल करके। जिस चाय के अंदर चाय पत्ती की मात्रा ज्यादा होती है, उस चाय के अंदर कैफीन की मात्रा भी ज्यादा होती है। और यदि आप अपने बच्चों को वही कड़क चाय पिलाते हैं तो उसकी वजह से बच्चे की मांसपेशियों में भी काफी ज्यादा कमजोरी आ सकती है। कई माएं अपने बच्चों को चाय के अंदर दूध मिक्स करके देती हैं। वो अपने बच्चों के लिए एक कप में चाय छान देती हैं और उसके अंदर ही एक कप दूध मिक्स कर देती हैं। और उनका मानना ऐसा होता है कि यदि हम चाय के अंदर दूध को मिक्स करेंगे तो ऐसा करने से बच्चों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप चाय के अंदर दूध को मिक्स करते हैं तो दूध की सारी शक्ति वहीं नष्ट हो जाती है। उसके अंदर वो कैल्शियम पावर नहीं रहती है जो कि हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का शरीर मजबूत बने, उनकी हड्डियां और दांत मजबूत बने, तो सुबह सुबह उन्हें चाय का सेवन कराने की बजाय उन्हें हॉट चॉकलेट मिल्क या फिर गर्म दूध का सेवन कराइए, क्योंकि ये उनके शरीर के लिए ज्यादा बेहतर है। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए।